तो शुभ नीचे से अपना तीसरा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं आसिफ भाई, डबल करने की पूरी कोशिश। काफ़ी भारी पतंग ली है आसिफ भाई अपनी। और देखिए आसिफ भाई धीरे धीरे पतंग को कम कर रहे हैं, बहुत भारी पतंग ली है। और शुभ भी अपनी पतंग को भगा रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे नीचे। आसिफ भाई ने पतंग को काफ़ी कम करके देखिए मुड्ढा रखा है, तगड़ी पतंग अंदर की तरफ उतारते हुए और रेंज में पेज हो रहा है 300-400 की। शुभ ने ऊँचा मुड्ढा दिया, आसिफ भाई गर्दन के पास रखे हैं डबल करने की पूरी कोशिश और पतंग को चलाते चलाते कम करते जा रहे हैं। अच्छी खासी रेंज थी, काफ़ी कम कर लाए हैं, धीरे धीरे पेज रख रहे हैं। और ये देखिए निकलता हुआ दिखाया फिरों का, और कम करने की कोशिश, काफ़ी कम करके लिया है पतंग को, धीरे धीरे अंदर की तरफ रख रहे हैं और पतंग को कम करते जा रहे हैं। मैं आसिफ भाई का एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर चौवारा बांध के लड़ाते हैं और भारी पतंग लड़ाते हैं, डबल करके लड़ाते हैं। देखिए डबल कर लिया है शुभ ने, निकलता हुआ मारा और ये देखिए डबल होने से पहले आसिफ भाई की पतंग कट गई। तो दोनों के बीच में काफ़ी फटाव है, ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए शुभ खड़े हैं यहाँ पे और उसके बाद आसिफ भाई देखिए मेरे थोड़ा सा बस आगे खड़े, तो काफ़ी फटाव है और शुभ लड़ाते लड़ाते काफ़ी पीछे आ गए, जिसकी वजह से पेज फंस नहीं पाया और तुरंत काट काट हो गई। नीचे से शुभ अपना चौथा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं ओल्ड तहजीब के उमर भाई। देखिए निकलता हुआ मुड्ढा उमर भाई ने बनाया, शुभ ने ताकत से बाहर की तरफ खड़ा करके खींचा है, अंदर की तरफ पट मारी लेकिन कट गए। काफ़ी ताकत से शुभ ने खड़ा करके मुड्ढा बाहर की तरफ खींच दिया और उमर भाई ने सीधा गद्दा ताकत से मारा लेकिन कट गए। ऊपर से लड़ा रहे हैं आर्यन और नीचे से अपना पहला पेज चांस लेके गए हैं शम्मू भाई। तो देखते हैं कितनी दूर तक शम्मू भाई की पतंग जाती है। ऊपर से आर्यन काफ़ी पतंग कम करके गद्दा मारने की कोशिश, शम्मू ने पतंग को ऊंचा करके चला रहे हैं पट की तरफ, झटकते हुए रोका, आर्यन ने सीधा गद्दा मारा है, शम्मू पतंग को चला रहे हैं और ताकत से बाहर की तरफ शम्मू ने खींचा सीधा गद्दा, आर्यन मार रहे हो झटकने लग गए अपनी पतंग को और देखिए पूरी पतंग घूम गई शम्मू की बाहर की तरफ और आर्यन ये पेज कट गए। तो देखिए पतंग खिंचवाई जाएगी शम्मू जी की, देखते हैं कि क्या पतंग ख़राब है या फिर ऊंचे पे से खींचा है, थपेड़ा लग के पतंग बाहर की तरफ राउंड हुई है। तो देखते हैं आप पतंग खींचेंगे तो पतंग राउंड टेस्ट ये हो जाएगा। तो देखिए पतंग नीचे कर रहे हैं, तो इस पतंग को खींचेंगे पता चल जाएगी पतंग राउंड है या थपेड़ा लगा था पतंग में। कभी कभी होता ही है जब ऊँचे से काफ़ी खींची जाती है तो थपेड़ा लग के पतंग घूम जाती है। तो देखिए नीचे कर ली है शम्मू भाई ने अपनी पतंग, पतंग को खींच रहे हैं अंदर की तरफ मुड्ढा, थोड़ा रुक गए, फिर से सीधे मुड्ढे पे खींचेंगे अंदर के बल लेके, देखिए ताकत से खींच रहे, पतंग ख़राब है, देखिए बाहर की तरफ तुरंत राउंड हो जा रही है। तो शम्भू भाई खुद पीछे आ रहे हैं क्योंकि समझदार प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। पेज अच्छा काटा था लेकिन पतंग ख़राब। तो ये देखिए कमाल भाई अपने हाथ की पतंग बनाई है, वो जा रहे हैं शम्भू भाई को देने के लिए क्योंकि बढ़िया पेज लड़ा रहे हैं शम्भू भाई। आप आना नहीं है जरूरी बना का, आप देख लो।
ये देखिए शम्मू भाई के हाथ में पतंग दी जा रही है, दूसरी पतंग कमाल भाई ने शम्मू भाई के हाथ में दे दी है और शम्मू भाई अब इस पतंग से लड़ाएंगे और कंटिन्यू देखते हैं फिर कितने पेज इस पतंग से शम्मू भाई, जो कि शिव मंदिर ग्राउंड इन्हीं के अंडर में रहता है और इनका भी आज गेम लड़ रहा है। अंकित भाई किससे आपका गेम लड़ रहा है आज? हमारा गेम है चांद काइट क्लब, चांद काइट क्लब से लड़ रहा है, बहुत बढ़िया क्लब है, ताबड़ तोड़ पतंगे देता है जो कि A1 से एक बार गोमती नगर में लड़ चुका है। तो अंकित भाई कुछ कहना चाहेंगे टूर्नामेंट से रिलेटेड, क्योंकि इसी ग्राउंड पे टूर्नामेंट भी होना है और आपके अंडर में ही ये पूरा ग्राउंड है शिव मंदिर ग्राउंड जी, तो कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या, अपना जितना भी अच्छा है वो करना है हम लोगों को जी, और किसी को कोई परेशानी ना हो, टूर्नामेंट को सफल बनाना है अच्छी तरीके से, बस यही वो है, बाकी आप लोग का सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो अंकित भाई का टून गेम हो रहा है, तो अंकित भाई लड़ाने के लिए जा रहे हैं और जो ये ग्राउंड है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा ग्राउंड है, इसको थोड़ा सा मेंटेन और करा जाएगा टूर्नामेंट से पहले, अभी पानी गिरने की वजह से ऐसा हुआ है, अभी ये बिल्कुल साफ होगा, दो चार दिन बाद जेसीबी चलेगी और पूरा साफ होगा। तो देखिए अंकित भाई ने बताया इस पूरे ग्राउंड को मेंटेन करा जाएगा टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट के मतलब के लिए, और काफी बड़ा ग्राउंड है, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होने वाला है यहाँ पे 6 फरवरी से। ऊपर से लड़ा रहे हैं आसिफ भाई, नीचे से लड़ा रहे हैं चंदू डालीगंज के मेंबर और आसिफ ओल्ड तहसीब के मेंबर हैं। भारी पतंग आसिफ भाई फिर से लेकर आए और ज़्यादातर भारी पतंग ही लड़ाते हैं, बढ़िया मौसम, तेज़ हवा चल रही है, पेज करीब 300 की रेंज में लड़ रहा है। चंदू भाई 2 पेज काट चुके हैं, नीचे से अपना 3रा पेज लड़ा रहे हैं, तो देखते ये हैं कि आसिफ भाई अपनी भारी पतंग से कैसे काटने की कोशिश करेंगे और चंदू क्या आसिफ भाई की इस भारी पतंग को काट पाएंगे कि नहीं। आसिफ भाई धीरे धीरे देखिए अपनी भारी पतंग को रखते हुए अंदर के हाथ पे, चंदू भाई भी ऊंचा करके पूरा मुड्ढा दिए हुए हैं और देखिए अंदर की तरफ ताकत से खींच रहे हैं झोल काटने की कोशिश, लेकिन काफ़ी ऊंचे हैं। आसिफ भाई अपनी पतंग को कम कराते जा रहे हैं हमेशा की तरह, जैसे भारी पतंग को कम कराते रहते हैं, और अंदर की तरफ देखिए आसिफ भाई पतंग को कम कराते कराते उतारते जा रहे हैं। काफ़ी रेंज में पेज हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। आसिफ भाई ने अपनी पतंग को फिर से हाथ की तरफ उतारा, रोका, ऊंचा करा, धीरे धीरे अपनी पतंग को अपनी रेंज में ले आते हैं, भारी पतंग उड़ाते हैं इसलिए झोल मिलता नहीं है। देखते हैं चंदू भाई कैसे इस पतंग को काटेंगे, चंदू भाई की पतंग काफ़ी बड़ है, आसिफ भाई धीरे धीरे कम कर, आसिफ भाई ने काफ़ी पतंग कम कर ली है, चंदू भाई अपनी पतंग को बड़ करें और ऊंचा करके रखें चंदू भाई। और देखिए अंदर की तरफ आसिफ भाई पतंग को अपनी भारी उतारते हुए निकलता हुआ बनाया और देखिए सीधा मुड्ढा आसिफ भाई ने रख दिया है और चंदू भाई की पतंग देखिए बड़े आराम से कट गई, बढ़िया पेज आसिफ भाई ने चंदू भाई को ये काट दिया। तो ऊपर से लड़ा रहे हैं डालीगंज के मेंबर इखलाक भाई, नीचे से आसिफ भाई अपनी भारी पतंग लिए हैं, तो देखने वाला पेज है क्या होता है, पेज फंस गया है, देखिए कंठी मार के आसिफ भाई रखने की कोशिश कर रहे हैं, इखलाक भाई ने भी बढ़िया डबल कर ली है आसिफ भाई को, चक्रों पे लिए हैं आसिफ भाई भी और इखलाक भाई भी चक्रों पे रखे हैं, ताने ताने ऊँचा करते जा रहे हैं, गज़ब का पेज फंसा हुआ है, लेकिन पेज शायद आया नहीं वरना अब तक काट काट हो जाती क्योंकि काफ़ी भारी पतंग है। देखिए दोबारा से इखलाक भाई अपनी भारी पतंग को रख रहे हैं, नीचे से आसिफ भाई भी अपनी भारी पतंग को रख रहे हैं, निकलता हुआ देखिए इखलाक भाई ने बनाया, फिर से डबल करी, कंठी पट गई और आसिफ भाई ने रख लिया है भारी पतंग को, अब की बार देखते हैं पेज आया है कि नहीं, दोनों के बल सही और बहुत बढ़िया पेज इखलाक भाई ने आसिफ भाई की भारी पतंग को काट दिया, बहुत अच्छा पेज। तो नीचे से लड़ा रहे हैं डालीगंज के मेंबर आमिर और ऊपर से लड़ा रहे हैं उमर भाई ओल्ड तहजीब के मेंबर, तो देखते हैं अब की बार कौन काटता है, काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया है आमिर ने, चक्रों पे लिए हैं, अंदर की तरफ ही वापस खींचे, निकलता हुआ ताकत से मारा है उमर ने और कट गए हैं उमर ये पेज अपना, बढ़िया पेज काफ़ी देर में खींचा आमिर ने लेकिन अच्छा काट दिया उमर को। ऊपर से लड़ा रहे हैं ओल्ड तहजीब के मेंबर, देखिए मुड्ढा रखते हुए आमिर नीचे से अपना 2रा पेज लड़ा रहे हैं, अभी एक बहुत बढ़िया पेज इन्होंने उमर भाई को काटा था, देखते हैं इस पतंग से आमिर कितने पेज काटते हैं, टेढ़ा करा के पूरी जगह लेते जा रहे हैं और निकलता हुआ मुड्ढा बनाए हुए हैं ओल्ड तहजीब के मेंबर और गर्दन की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं, झोल काफ़ी छोड़ के चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और देखिए आमिर ने सीधा खड़े के झटकने लग गए तेज़ तेज़ और ये देखिए झोल बड़े आराम से आमिर ने काट, जो झोल छोड़ के चल रहे थे ओल्ड तहजीब के मेंबर, तो इसी पेज के साथ आमिर के 2 पेज पूरे हो गए। तो ऊपर से लड़ा रहे हैं ओल्ड तहजीब के कैप्टन सुफियान और नीचे से जगह लेते हुए आमिर अपना 3रे पेज के लिए, तो देखते हैं अब की बार कैसे लड़ाते हैं, बढ़िया 2 पेज आमिर ने काटे,
सुफियान ने अपनी पतंग देखिए निकलता हुआ मुद्दा फिर से सुफियान ने बनाया है। ओल्ड तेजी के मेंबर ने आम इन्हें थोड़ा सा बाहर खींचा और देखिए डबल कर लिया है सुफियान ने बहुत बड़े, लेकिन पट की तरफ खींचा जैसे ही आमिर ने तो डोर मिल चुकी थी और ये भी एक बढ़िया पेज आमिर ने आज के दिन का काट दिया। इसी पेज के साथ आमिर के 3 पेज पूरे हो गए। तो ओल्ड तहजीब के करता धरता जी कमाल भाई लड़ाने आए हैं और नीचे से आमिर अपना 5वां पेज लड़ा रहे हैं। तो देखने वाला पेज है कि कैसे काटेंगे। कामिल कमाल भाई काफ़ी भारी पतंग लेके आए हैं और देखिए धीरे धीरे रख रहे हैं, जगह ले लिए नीचे से आमिर ने, टेढ़ा करा रहे हैं। हवा थोड़ी सी डालीगंज के मेंबर आमिर की तरफ ही दबी हुई है। देखिए सीधा रखते गए, नीचे से सीधा रखा और देखिए चुस्के उपलिए अंदर की तरफ इतने झटका, जैसे ही आमिर ने खींचा बहुत बढ़िया पेज कमाल भाई ने आमिर को काट दिया। ये हमारे कमाल भाई जो कि ओल्ड तहजीब के करता था, बहुत गजब का पेज उन्होंने अभी आमिर भाई को काटा है, बढ़िया पेज। नीचे से लड़ा रहे हैं शुभ और ऊपर से लड़ा रहे हैं अजीज़ भाई ओल्ड तहजीब के मेंबर। नीचे से वाइस कैप्टन डालीगंज के शुभी भाई लड़ा रहे हैं। देखिए जगह ले ली शुभी भाई ने, थोड़ा गर्दन के पास है अपनी भारी पतंग को लेके अजीज़ भाई, और देखिए पतंग को चलाया शुभी ने, ताकत से झटकते हुए बाहर को ताकत से खींचा है, कंठी पट हो गया लेकिन बहुत बढ़िया पेज काट दिया शुभ ने बाहर की तरफ झटकते हुए, बहुत बढ़िया पेज। इसी के साथ शोभी ने अपना पहला काट दिया बाहर की तरफ भारी पतंग को तेज तेज झटकते हुए, डबल करा बहुत अच्छा अजीज़ भाई ने लेकिन काट नहीं पाए। तो एक बार फिर से भारी का पेज होने जा रहा है। इखलाक भाई ने आसिफ भाई को एक बढ़िया पेज काटा था और अभी आसिफ भाई ने एक शोभी भाई को पेज काटा है ऊपर से और उसके बाद नीचे से दूसरा पेज अपना लड़ाने के लिए गए हैं। ताकत से जल्दी से जगह ले ली और देखिए ताकत से ही बाहर का मुड्डा बनाया और इखलाक भाई भी ताकत से बाहर का खींचे जा रहे, दोनों लोग खींच रहे हैं भारी पतंग को, बढ़िया पेज आसिफ भाई ने भारी पतंग से बाहर की तरफ खींच के इखलाक भाई को अब की बार काट दिया, अब की बार फंसाने का चक्कर ही नहीं रखा, बढ़िया पेज। तो नीचे से आसिफ भाई अपना तीसरा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से डालीगंज के सन्नू भाई आए हैं काटने के लिए। देखिए धीरे धीरे मुड्ढा रख रहे हैं, निकलता हुआ बनाया आसिफ भाई भी अपनी पतंग रोके और अंदर की तरफ देखिए जैसे ही खींची और झटक दिया बहुत बढ़िया सन्नू भाई ने, और अंदर की तरफ खींचते ही आसिफ भाई कट गए। तो बढ़िया पेज काटा सन्नू भाई ने डालीगंज के मेंबर। ऊपर से लड़ा रहे हैं लियाकत भाई ओल्ड तहजीब के मेंबर और नीचे से सन्नू भाई, अभी एक पेज इन्होंने आसिफ भाई को बढ़िया काटा है और नीचे से गए हैं अपना दूसरा पेज लड़ाने। धीरे धीरे मुड्ढा रख रहे हैं, ऊपर से ओल्ड तहजीब के मेंबर लियाकत भाई गर्दन की तरफ बढ़ते हुए और टेढ़ा कराने की पूरी कोशिश सन्नू भाई की, देखते हैं कैसे ये पेज काटते हैं। टेढ़ा करते जा रहे हैं, गर्दन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ओल्ड तहजीब के मेंबर अंदर की तरफ तेज़ी से मुड्ढा उतारा है, ऊपर की तरफ झटक रहे हैं सन्नू भाई लेकिन काट काट नहीं हुई, काफ़ी पतंगे कम आ गई हैं खींचते खींचते। वो देख सकते हैं आप सन्नू भाई अपनी पतंग को ऊँचा करे हुए हैं और ताकत से खींचने पत्ता खींचने की कोशिश में सन्नू भाई ने अपनी पतंग खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, दोनों लोग खींच रहे हैं, खड़ी पतंग खींच रही है लियाकत भाई की और ये देखिए सन्नू भाई पेज कट गए। तो पत्ता खींचने की लालच में थे लेकिन काफ़ी करने के पास से पेज आ गया और खड़ी पतंग थी लियाकत भाई की और बढ़िया पेज उन्होंने काट दिया। तो नीचे से आमिर अपना दूसरा पेज लड़ाते हुए और ऊपर से लड़ा रहे हैं अजीज़ भाई ओल्ड तहजीब के मेंबर। तो पेज चल रहा है धीरे धीरे, ऊपर से अपनी भारी पतंग को अजीज़ भाई हाथ की तरफ उतारते हुए ऊंचाई ऊंचा जगह लेते जा रहे हैं। नीचे से आमिर ने भी जगह ले ली है काफ़ी, बीचों बीच में अजीज़ भाई ने पतंग को रखा, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, पतंग थोड़ी बाहर की है, जब भी गद्दा मार रहे हैं तो अंदर की तरफ आ रही है, देखिए अंदर की तरफ घूम के आई, वापस से गद्दा बनाया और पतंग को अपनी चला रहे हैं, पट की तरफ तेज तेज झटके मार रहे हैं आमिर, और देखिए अभी भी झटके किए, वो भी झटका मार रहे हैं अजीज़ भाई और आमिर, ये पेज कट गए। तो देखिए दोनों एक दूसरे के मुड्ढा रखने के बाद झटके पे पेज चला रहे थे और आमिर ये पेज कट गया, अजीज़ भाई ने झटके मारते हुए जैसे ही मुड्ढा ऊपर हुआ झोल नीचे बैठा आमिर की पतंग कट गई। ऊपर से लड़ा रहे हैं शुभी डालीगंज के मेंबर, नीचे से शम्मू अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं, एक पेज अभी इन्होंने शुभम भाई को काटा है, नीचे से जगह लिया है शम्मू, देखिए ताकत से बाहर के मुड्ढा बना लिया, रोका
अंदर की तरफ शुभी ने खींचा है और देखिए पट की तरफ वापस से शम्मू ने खींचा और शुभी भाई की ये पतंग कट गई। बढ़िया पेज काटा। और ये देखिए कमाल साहब हमारे पतंगे दिखा रहे हैं, देखिए कुछ कह रहे हैं। ये देखिए आसिफ भाई हमारे हाय कह रहे हैं सबको। और मैं आपको बता दूं ये ओल्ड तहजीब आसिफ भाई जिसमें है उनके जो करता धरता है, तो जो इस क्लब के करता धरता है ओल्ड तहजीब के वो है कमल भाई, और जो कैप्टन है वो सुफियान भाई पीछे पतंग तैयार कर रहे हैं, और वाइस कैप्टन है हमारे अजीज भाई। तो कमल भाई एक नंबर अपना प्रोवाइड कर दीजिए जिससे कोई गेम जो है बाहर का परदेसी का या लोकल का आपसे तय कर सके। देखिए अपनी पतंग की कलेक्शन खोल रहे हैं, सब पे टेपिंग है। तो ये है सुफियान भाई जो कि ओल्ड तहजीब के कैप्टन है। तो कैप्टन जी अपना एक नंबर बता दीजिए जिससे कोई आपसे परदेसी गेम या लोकल गेम तय करना चाहे तो तय कर सके। 7905449462। तो ये नंबर है, ये नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया, आप सुफियान जी से बात कर सकते हैं। और ओल्ड तहजीब जो कि लखनऊ का क्लब है और बढ़िया प्लेयर्स हैं इस क्लब में, टीम से आप गेम तय कर सकते हैं, चाहे परदेशी हो चाहे आप लोकल का गेम तय करना हो, सुफियान भाई से कॉन्टेक्ट करके इस टीम से गेम तय कर सकते हैं। कमल भाई ये कुछ बताना चाहेंगे पतंग के बारे में? सारी पतंगों में आपके टेप है, एक भी पतंग आपकी ऐसी नहीं छूटी, सब पे टेपिंग है। इसलिए हम लोग टेपिंग करके रखते हैं कि ताकि मैदान में पहुंचते साथी कन्ने बांधिए लड़ाने लग जाइए। देखिए एक से एक पतंगे हैं, सब ब्रांडेड पतंगे हैं, और सारे पतंगों पे टेप भाई की पतंग है। ये देखिए छब्बन भाई की पतंग, पर्रीदार काफी फेमस पतंग, और कंप्रेस वाली मोहर ये आप देख सकते हैं। तो देखिए आसिफ भाई भी रील दिखा रहे हैं, रिंकू खान की चार पेज काटे हैं, चार पेज। ये देखिए आसिफ भाई की रील मैं आपको पहले ही दुकान के बारे में बता चुका हूँ, वो वीडियो अगर आपको देखनी है आप आई बटन पे देख सकते हैं। तो आसिफ भाई जब मैदान में आई गए आप रिंकू खान की डोर दिखाई रहे हैं, इसी से लड़ा रहे हैं, क्या प्राइस है एक बार फिर से बता दीजिए इसका? 2700 का रेट है। बहुत बढ़िया लड़ी है, टूर्नामेंट के लिए एक नंबर की डोर है। तो आसिफ भाई आपकी दुकान पे अवेलेबल है ना ये? अरे ये तो जरूर भरा पड़ा है, दुनिया चाहे डोर मिले है मिले, लेकिन हम इसको जरूर रखते हैं, इसको जरूर रखते हैं। तो आसिफ भाई की वीडियो आप काई शॉप वाली आई बटन पे है, हमारे रिंकू भाई वो नीचे से ऊपर आ रहे बेचारे, बहुत ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार आदमी रिंकू भाई हमारे। तो आसिफ भाई की वीडियो आप काई शॉप वाली आई बटन पे देख सकते हैं, काफी कलेक्शन है पतंग का, रील का, टून का, और आपको जो रीले दिखा रहे हैं और जो और भी रीले हैं महंगी टूर्नामेंट से रिलेटेड, वो सब आप फोन करके आसिफ भाई से ले सकते हैं। मुबीन का चौबारा, तो आसिफ भाई ने देखिए अपनी वीडियो में कल्लन का चौबारा दिखाया था आसिफ भाई के हाथ में, मुबीन का भी चौबारा है। ये देखिए ये डोर है जुनूद इकबाल की, नंबर एक ब्रांड। क्या प्राइस है आसिफ भाई इसका? इसका जो पैसे मिल जाए कम है, जो पैसे मिल जाए कम है, फिर भी एक आइडिया तो बताइए लोगों को, पता तो चले। देखिए हमारे सौरभ भाई भी है, डोर चेक कर रहे हैं, अगर अच्छी लगेगी तो लेकिन गजब का पीला कलर निकला है, बहुत खूबसूरत कलर निकाला है हमारे आसिफ भाई, ये बताइए। तो देखिए सौरभ भाई का दिल आ गया, सौरभ भाई आयशा क्लब में लड़ाते हैं, कैप्टन है, कि क्या प्राइस है आसिफ भाई बताइए तो? ठीक है इसका प्राइस बताएंगे, इसको जो फोन करेगा और जो पैसे बोलेगा आपको देना पड़ेगा, जो पैसे देंगे बोल। तो देखिए टूर्नामेंट स्पेशल रील है, रख के लाए थे, और गजब की डोर है। और देखिए डालीगंज की तरफ न्यू मिलन के भी मेंबर खड़े हैं, शानू भाई काफी फेमस हैं, बढ़िया प्लेयर, लखनऊ हाय कह रहे हैं। और ये हमारे राज भाई, अभी इन्होंने जल्दी एक नहला काटा था, राज भाई किस क्लब को काटा था? चौक क्लब को इन्होंने काटा था, तो बहुत ही बढ़िया नहला था, उस दिन मुझे जाना था लेकिन कुछ काम था इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया था। तो शानू भाई कुछ कहना चाहेंगे, पतंगे लड़ रही है देखने आए हैं, पतंग दो अच्छे क्लब लड़ रहे हैं आज, अच्छे क्लब और हमारा पहला क्लब है डालीगंज। अच्छा डालीगंज में ही आप पहले शॉप करते थे? हाँ मेरा पहला क्लब है, मैंने यहीं से स्टार्ट किया और मुझे जैसे ही पता चला कि हमारा डालीगंज का एक क्लब लड़ रहा है तो मैं तुरंत आया। तो देखिए शानू भाई तुरंत आए, बढ़िया क्लब से लड़ रहा है, शम्मू भाई का ओल्ड तहजीब लड़ रहा है। और राज भाई आपने उस दिन नहला काटा चौक क्लब को, तो कुछ उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस पतंग है, पतंग है, चिपक गई, बस चिपक गई, तो बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे दो न्यू मिलन के मेंबर राज भाई और शानू भाई। शम्मू नीचे से अपना पांचवा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से आए हैं डालीगंज के मेंबर आमिर डी, तो देखते हैं अब की बार कैसे लड़ाते हैं। शम्मू अपनी पतंग को नीचे रखे हुए हैं और धीरे धीरे पतंग को उतार रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पतंग उतर रही है आमिर की, डालीगंज के मेंबर की। नीचे से शम्मू जगह लिए हुए हैं, पाँचवा पेज बहुत ही संभल के होने वाला है ये पेज, पतंग को ऊंचा ही ऊंचा आमिर अपनी पतंग को कम कर रहे हैं, शम्मू अपनी पतंग को बढ़ दिए हैं, कम नहीं कर रहे हैं अभी। देखने वाला पेज है कि क्या होगा, नीचे से जगह लिए हुए हैं, अपनी बड़ पतंग दिए हैं शम्मू, और ऊपर से आमिर बीचों बीच में अपनी पतंग को रखे हैं और थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहे हैं।
और हाथ की तरफ नीचे से शम्मू बढ़ते हुए आमिर ने निकलता हुआ अंगूठा दिखाया, शम्मू ने भी ऊपर खींचा, आमिर ने फिर से निकलता हुआ अंगूठा दिखाया, उसी को ताकत से मारते जा रहे, अंदर की तरफ पतंग घूम रही, और देखिए कंठी पर कितनी लेट में खींचा शम्मू ने, और बढ़िया पेज आमिर को भी काट दिया। इसी पेज के साथ शम्मू के 5 पेज पूरे हो गए, और काफ़ी बड़ देखे लेट कंठी पट खींच के बढ़िया पेज काटा। तो ये देखिए नीचे से शम्मू भाई अपना छठा पेज लड़ा रहे हैं, और ऊपर से आमिर महानगर वाले लड़ा रहे हो, देखिए सीधा गद्दा मारा आमिर ने, ताकत से मरते जा रहे हैं, शम्मू ने फिर से कंठी पट अपनी बड़ पतंग से मारा, बहुत बढ़िया पेज, सेम पेज 4-5 पेज, इसी 6 के पेज में शम्मू भाई ने एक जैसे ही पेज कंठी मार के अपनी बड़ पतंग से काट दिए। तो इसी पेज के साथ शम्मू भाई के 6 पेज पूरे हो गए। अब देखते हैं 7वां पेज कौन लड़ाएगा डालीगंज के क्लब की ओर से। फ्रेंड्स ये डालीगंज और ओल्ड तहजीब के बीच में 7वां पेज होने जा रहा है। 7वां पेज शूबी भाई डालीगंज के वाइस कैप्टन आए हैं, और चलते हैं पेज पे नीचे से, ये देखिए शम्मू भाई भी खड़े हैं पेज पे, चलते हैं हम लोग जल्दी से, काफ़ी तगड़ा पेज होने वाला है, 7वां पेज है आज के दिन का। शम्मू भाई नीचे से लड़ा रहे हैं, 6 पेज बढ़िया काट चुके हैं, और 6 में से 4 पेज अपनी बड़ पतंग से काफ़ी टाइम दिया, जैसे कोई गद्दा मार के निकलता है उस पर कंठी पट खींच रहे हैं और बढ़िया काट रहे हैं। तो अब की बार देखते हैं 7वां पेज शम्मू भाई कैसे काटते हैं, या फिर शूबी भाई डालीगंज के लिए ये 7वां पेज शम्मू भाई को काटने से रोक पाएंगे। तो पतंगें काफ़ी रेंज में लड़ रही हैं, 300-400 की, या कहिए थोड़ा सा उससे बढ़ ही है, 400 के 450 के करीब की रेंज में लड़ रहा है, मीडियम हवा चल रही है। शूबी भाई की पतंग ऊपर, नीचे से शम्मू देखिए अभी भी अपनी पतंग को कम से कम 50 मीटर बढ़ करके ही लड़ा रहे हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जिससे आपको दोनों पतंगे काफ़ी आराम से दिख जाए। तो ये देख सकते हैं टेढ़ा कराए हुए हैं शम्मू अपनी बड़ पतंग से, और बीचों बीच में मुड्ढा रखे हुए हैं शूबी अपना, देखते हैं क्या होता है। 7वां पेज दोनों के बीच में, दोनों लखनऊ के बढ़िया क्लब, ओल्ड तहजीब और डालीगंज काइट क्लब। तो देखिए धीरे धीरे रख रहे हैं, शूबी अपनी पतंग वापस उठा लिया, शम्मू अपनी बड़ पतंग से 6 पेज काट चुके हैं, बहुत ही सोच समझ के लड़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, पतंग को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं शूबी अपनी, वापस से मुड्ढा रखा, शम्मू अपनी पतंग को अपनी रेंज में ही चला रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि उसी बड़ का ही फ़ायदा लेके कभी अंदर खींच रहे हैं और कंठी पट पे खींच के काट रहे हैं। देखिए शूबी ने फिर से मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते जा रहे हैं, शम्मू की पतंग काफ़ी बड़, फिर से मुड्ढा बनाया, शूबी ने निकलता हुआ गड़ोता हुआ मुड्ढा बना लिया, मारते जा रहे हैं, और देखिए शम्मू भी बाहर ताकत से खींच रहे हैं, दोनों लोग खींच रहे हैं, और बहुत बढ़िया पेज वापस से शम्मू ने थोड़ा सा खड़ा तिरछा निकलता हुआ खींच के काट दिया, और ये शूबी भाई की पतंग जा रही है। शूबी भाई ने भी एक गड़ोता हुआ मुड्ढा बनाया, उसी मुड्ढे को मारने लगे, बढ़िया पेज। इसी के साथ शम्मू भाई ने ओल्ड तहजीब के लिए अपने 7 पेज पूरे कर लिए। तो अब देखते हैं 8वां और 9वां पेज कैसा लड़ाते हैं शम्मू भाई आगे का। क्या 7 पेज आपने बहुत बढ़िया काटे, बड़ी मेहनत से काटे, कंठी मार मार के आपने 4-5 पेज काटे, क्या कहना है आगे का? भाई जो मेहनत करेगा वही काटेगा, जो मेहनत करेगा वही काटेगा, ज्यादा मेहनत करेगा वो काटेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो काटेगा। पतंग तो सभी लड़ाते हैं, पतंग सभी लड़ाते हैं। तो बहुत बढ़िया बात शम्मू भाई ने कही। अब अभी इनके 8 और 9 पेज होने हैं, तो देखेंगे हम लोग दोनों पेज की शम्मू भाई कैसे लड़ाते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों पतंगे आप पेज पे देख सकते हैं, शूबी अब 8वां पे लड़ाने जा रहे हैं, अब की बार काफी तगड़ी पतंग लेके आए हैं। नीचे से शम्मू 7 पेज काटे खड़े हुए हैं, अब देखते हैं क्या होता है इस पेज पे। करीब करीब 500 मीटर की रेंज में ये पेज होने जा रहा है, थोड़ा सा शम्मू भाई ने और रेंज निकाल दी है, और अपनी पतंग को अभी भी बढ़ ही दे के लड़ा रहे हैं। तो देखने वाला पेज है की बार क्या होता है। शूबी भाई ऊपर से जगह ले रहे हैं धीरे धीरे, शम्मू भाई भी नीचे से हाथ की तरफ जाते हुए काफ़ी रेंज में ये पेज चला गया है। देखने वाला पेज क्या होता है। बहुत बढ़िया शम्मू भाई 7 काट चुके हैं, 8वां पेज लड़ा रहे हैं शम्मू नीचे से ओल्ड तहजीब के लिए, और 8वां पेज रोकने की कोशिश में आए हैं शूबी भाई डालीगंज के मेंबर। तो देखना ये है कि क्या होगा, बढ़िया मुकाबला होने वाला है, बढ़िया पेज एक होने वाला है। शूबी ने अपनी पतंग को अंदर की तरफ थोड़ा सा उतारा, ऊँचे ऊँचे थोड़ी सी पतंग को कम करते हुए, और शम्मू जैसे बाकी पेज की तरह अपनी पतंग को बड़ रखे हुए थे, अभी भी बढ़ ही रखे हुए हैं, पतंग को कम नहीं कर रहे हैं। शूबी पतंग को थोड़ा सा ऊपर ही ऊपर कम करते हुए अंदर की तरफ चलते हुए, शम्मू ने पतंग को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला, ऊंचा करा। शूबी की पतंग अब की बार तगड़ी पतंग है, देखने वाला पेज होगा कि क्या होता है अब की बार इस पेज में। शम्मू ऊंचा कर रहे हैं अपनी पतंग को, शूबी ने मुड्ढा बनाया रोका, देखते हैं क्या होगा पेज में, रोका। शम्मू ने भी पतंग को पट कर लिया, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जानते हैं शूबी बढ़िया प्लेयर हैं, जल्दबाजी करने से अपने जो 7 पेज काटे हैं सब बर्बाद हो जाएंगे, और शूबी भी
इस पेज को काटने की पूरी कोशिश में अब जल्दी से गद्दा नहीं मार रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कि बढ़िया मुड्ढा मिले तो उसी पे गद्दा मारा जाए। शम्मू लेकिन काफ़ी टेढ़ा कराए और पतंग देख सकते हैं शम्मू भाई की काफ़ी बढ़ है, धीरे धीरे अपनी पतंग को उतार रहे हैं। शूभी नीचे निकलता हुआ मुड्ढा बनाया शूभी ने, निकलता हुआ देखिए मारते जा रहे हैं शम्मू पतंग को चला रहे हैं अंदर की तरफ ही, ताकत से शम्मू ने खींचा और वापस उठा ली पतंग को, पट की तरफ झटक रहे हैं शम्मू लेकिन काट काट नहीं हुई, बहुत ही सोच समझ के लड़ाया जा रहा है। आठवां पेज चल रहा है ये डालीगंज और ओल्ड तहजीब के बीच में, जगह लिए हैं शम्मू, पतंग को कम नहीं कर रहे हैं अपनी, बढ़ दिए हैं और शूभी धीरे धीरे पतंग को कम कर रहे हैं, भारी पतंग है शूभी की, गड़ोता हुआ मुड्ढा बनाया शम्मू ने भी पटकी और खींचा चलाया वापस उठा ली शूभी ने। बहुत बढ़िया पेज होने वाला है, देखना है कि ताकत का ये पेज होगा या फिर कुछ टेक्निकल हो जाएगा इस पेज में। आठवां पेज ओल्ड तहजीब और डालीगंज के क्लब के बीच में निकलता हुआ शूभी ने बनाया, शम्मू ने ताकत से बाहर की तरफ खींच रहे हैं और ये देखिए चक्कर ही कट गए शूभी के, कुछ सोच रहे थे शूभी पेज पे लेकिन बहुत बढ़िया बाहर की तरफ खींच के अब की बार शम्मू ने आठ पेज अपने पूरे कर लिए। अब देखते हैं नवा पेज कौन लड़ाता है और कैसा होगा। डालीगंज क्लब के लिए नवा पेज लड़ाने जा रहे हैं आमिर एम, जो कि आमिर एम से डोनेट करते हैं क्योंकि हम महानगर में रहते हैं, दो मेंबर हैं आमिर नाम से डालीगंज की तरफ से, तो देखते हैं अब की बार आमिर भाई कैसा पेज लड़ाते हैं शम्मू भाई से। शम्मू भाई अपना नवा पेज लड़ाएंगे और आमिर भाई पूरी कोशिश करेंगे नवा पेज रोकने की। पेंच काफ़ी बढ़ा लिया शम्मू भाई ने, करीब 500 मीटर कह सकते हैं, बड़े आराम से 500-600 मीटर के करीब हो गया है क्योंकि आमिर भाई ने भी अपनी पतंग शम्मू भाई के बराबर करके लड़ाई है। अभी तक जो भी पेज हुए थे थोड़ा सा कम करके डालीगंज के मेंबर ने बीच में रख के गद्दा मारा था, अब की बार बराबर करके लड़ा रहे हैं आमिर एम जो कि महानगर में रहते हैं इसलिए एम से डोनेट कर रहे हैं। शम्मू ने पतंग चलाई, आमिर ने निकलता हुआ गद्दा ताकत से मारा, मारते जा रहे हैं शम्मू भी ताकत से बाहर खींच रहे हैं, दोनों लोग खींच रहे हैं, शम्मू भी खींच रहे हैं और आमिर की पतंग गायब हो गई और शम्मू की पतंग बाहर खींच रही है, इसका मतलब शम्मू ने ये पेज आमिर को काट दिया। आज बहुत बढ़िया नौ डालीगंज क्लब को काट दिए हैं, ये रहमा शम्मू भाई, मुबारक हो शम्मू भाई आपको, बहुत बढ़िया पेज आपने डालीगंज को खींच खींच के काटे, गजब के पेज शम्मू भाई ने काटे आज। तो नीचे से ओल्ड तहजीब के अजीज भाई लड़ा रहे हैं, ऊपर से शूभी भाई डालीगंज के मेंबर जगह लेते हुए नीचे से अपना चौथा पेज लड़ा रहे हैं अजीज भाई, देखना यह है कि कौन काटता है। अजीज भाई की पतंग थोड़ी सी अंदर की है, जब जगह लेते हैं तो अंदर की तरफ गिरने लग जाती है। तो अजीज भाई ने काफ़ी ऊंचा करके मुद्दा दिया और उसी पे शूभी ने निकलता हुआ गड़ौता और ताकत से मारा और देखिए वापस से पलट के झटकने लगे, बहुत बढ़िया पेज बनाया है, झटक रहे दोनों लोग झटक रहे हैं और ये देखिए जैसे ही हाथ चलाया अजीज भाई ने बढ़िया पेज काट दिया शूभी ने, बहुत बढ़िया पेज काटा, पहले गद्दा मारा ताकत से और फिर उसके बाद तुरंत उसको पलट के झटकते झटकते अपनी पतंग को उठाते रहे, बहुत बढ़िया पेज। ताए शुभ ने नीचे से जगह ले लिए, थोड़ी तगड़ी पतंग उड़ाए शुभ और अंदर की तरफ बढ़ देखे उतारते हुए अजीज भाई, देखिए खड़ा ताकत से खींच दिया है और ये देखिए डोर छोड़ रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया पेज, चक्करों पे डोर निकाल के शूभी को अजीज भाई ने काट दिया, बढ़िया पेज।
तो नीचे से लड़ा रहे हैं आमिर डालीगंज के मेंबर और ऊपर से लड़ा रहे हैं कमल भाई करता धरता ओल्ड तहजीब के, जिनको मैं दिखा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। देखिए धीरे धीरे अपनी भारी पतंग को गर्दन की तरफ रख रहे हैं डबल करने की कोशिश। आमिर टेढ़ा कराए हैं, अपनी पतंग को बढ़ भी दिए हैं अंदर की तरफ उतारते हुए कमल भाई। और देखिए इतने इतने झटके मार रहे हैं और बाहर की तरफ निकलता हुआ झटका आमिर में मार रहे हो, छोड़ दिया वापस। देखिए खड़ा खींचा है, पत्ता काट दिया, बहुत बढ़िया पेज। आमिर ने नीचे से खींचते हुए पत्ता काट दिया कमल भाई का। नीचे से आमिर महानगर वाले एम जिनको डोनेट करते हैं दूसरा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं लियाकत ओल्ड तहजीब के मेंबर, नीचे से डालीगंज के मेंबर आमिर। जगह ले ली है काफ़ी, ऊपर से अंदर की तरफ उतारते हुए अब बाहर की तरफ मुड्डा खींच रहे हैं लियाकत भाई। सीधा मुड्डा उतारा आमिर, अपनी पतंग को टेढ़ा कराए हैं, जगह लिए हैं आमिर ने, एक मुड्ढा बनाया अंदर की तरफ लियाकत भाई ने दिखाया, झटक रहे हैं। देखिए आमिर तेते झटक रहे, बढ़िया पे झटकते हुए आमिर ने लियाकत भाई के अंदर के मुड्ढे को काट दिया। नीचे से पतंग खराब होने के बाद शुभी भाई गए, ऊपर से हमारे उमर भाई लड़ा रहे हैं, देखते हैं इनका पेज। अब देखिए पतंग पेज पे पहुंच गई है, ऊपर से तोखा पतंग है उमर भाई की, थोड़ा सा जूम करके आपको पतंग दिखा देते हैं। ये है पतंग तोखा उमर भाई की और नीचे से शुभी भाई की काली मानदार है। ये देखिए मानदार पतंग भी आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं दोनों लोग पेज पे। उमर भाई की पतंग थोड़ी सी तगड़ी पतंग है, देखते हैं कैसा लड़ता है पेज। दोनों ही एकदम गर्दन के पास होके पे लड़ा रहे हैं, कोई ज़्यादा किसी के नीचे से ना ऊपर से जगह ले रहा है। साइड में एक पतंग और आ रही है जिसकी वजह से उमर भाई को ऊपर से जगह लेने में परेशानी हो रही है। तो शुभी भाई थोड़ा सा टेढ़ा करा रहे हैं, उमर भाई अपनी पतंग को भारी पतंग है थोड़ा कम करते हुए सीधा सीधा मुड्ढा रखा है। देखिए ऊंचा मुड्ढा दिया शुभी ने, उसी मुड्ढे को ताकत से उमर भाई ने गद्दा मारा, मारते जा रहे हैं बढ़िया पे। शुभी को मौका ही नहीं मिला खींचने का, बड़े आराम से ताकत से गद्दा मार के उमर भाई ने शुभी को ये पेच काट दिया। ऊपर से एक लाख निकलता हुआ मुड्ढा मार रहे हैं और नीचे से शम्मू अपनी पतंग को टेढ़ा करके लगाए हैं, तीन पेज काट चुके हैं। और ये देखिए एक लाख भाई का झोल जो था शम्मू भाई की पतंग में चिपक गया और चलाते चलाते ही एक लाख भाई ने शम्मू भाई को ये पेज काट दिया। तो नीचे से उमर भाई अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं, एक बढ़िया पेज अभी इन्होंने आमिर भाई को काटा है। और ऊपर से लड़ाने आए हैं डालीगंज के मेंबर शन्नू भाई, तो देखते हैं शन्नू भाई कैसे काटेंगे या उमर भाई अपना ये पेज भी काट के दो पेज पूरे कर लेंगे। ऊपर से पतंग चला रहे हैं शन्नू भाई और नीचे तगड़ी पतंग ली है थोड़ी सी और देखिए खींचा और झटक रहे हैं तेज़ झटक रहे हैं, डोर पे रख लिया शन्नू भाई ने भी, उमर भाई ने शन्नू भाई को भी काट दिया। तो इसी के साथ दो पेज पूरे हो गए हैं उमर भाई के जो कि ओल्ड तहजीब के मेंबर हैं। तो नीचे से उमर भाई अपना तीसरा पेज लड़ाने जा रहे हैं, दो बढ़िया पेज काट चुके हैं। ऊपर से आए हैं डालीगंज के मेंबर आमिर जो कि महानगर वाले हैं, इसलिए आमिर एम से डोनेट करेंगे इनको। और मुड्ढा रख रहे हैं आमिर अपना, नीचे से उमर भाई ने तगड़ी पतंग देखिए रोका, ऊंचा कर लिया और फिर से ताकत से खींचा, लेकिन अंदर की तरफ खींच के आमिर ने ये बढ़िया पेज काट दिया उमर भाई को। तो ऊपर से लड़ा रहे हैं ओल्ड तहजीब के कैप्टन सूफियान और नीचे से लड़ा रहे हैं आमिर, और देखिए काफ़ी टाइम दे रहे हैं आमिर। कंठी पट की तरफ खींचना चाहा लेकिन ताकत से बाहर की तरफ खींच के सूफियान ने जो कि कैप्टन है ओल्ड तहजीब के बढ़िया पेज आमिर को काट दिया। काफ़ी टाइम दे रहे थे, कंठी मारने के चक्कर में थे, लेकिन जब तक डोर मिल गई थी और ये पेज अपना कट गया आमिर। तो आसिफ भाई नीचे से अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं और ऊपर से लड़ा रहे हैं शुभी भाई डालीगंज के मेंबर।
एक पेज आसिफ भाई ने अभी ऊपर से काटा है, तो देखते हैं अब की बार नीचे से कैसा पेज लड़ाते हैं। आसिफ भाई का दूसरा पेज ओल्ड तहजीब के मेंबर, ऊपर से डालीगंज के मेंबर शुभी भाई, देखिए निकलता वो मुड्ढा बनाया, रोका चला रहे हैं, काफ़ी तेज़ तेज़ झटकने लग गए, पट की तरफ कंठी खींची और बढ़िया पेज अंदर की तरफ पट की तरफ खींच के आसिफ भाई ने गजब का पेज शुभी भाई को काटा। और ये हमारे डालीगंज के मेंबर शाम को आए हैं जीतू भाई, इनकी काइट शॉप भी है, तो अभी हम इनको आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे और मिलवाएंगे इनसे। इनका पेज चल रहा है, तो इनका पहला पेज है आज के दिन का, तो पेज देख लेते हैं। तो ये देखिए पेज पे पतंग है, नीचे से आसिफ भाई अपनी पतंग को लगाए हुए हैं, मुड्ढा रखा, आसिफ भाई ने ऊँचा करा, निकलता हुआ जीतू भाई ने ताकत से बना लिया है, पट की तरफ झटक दिया आसिफ भाई ने और बढ़िया पेज जीतू भाई को भी काट दिया। तो चलिए जीतू भाई खाली हो गए हैं, अब इनसे बात करते हैं इनकी दुकान कहाँ पर है। तो ये हैं डालीगंज के मेंबर जीतू भाई। तो जीतू भाई आपकी काइट शॉप कहाँ पे है? डालीगंज मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर पास, तो आप आएंगे तो हमसे आप अपनी काइट शॉप की वीडियो बनवाएंगे लोगों के बनवाएंगे। अरे हमने पूछ ले, क्या पता जीतू भाई मना करते तो नहीं, 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 नहीं। तो जीतू भाई एक दिन हम आपकी काइट शॉप कवर करेंगे, बहुत जल्दी आएंगे। तो ये बताइए आप खुद भी पतंग बनाते हैं या सिर्फ आप सेल करते हैं? बेचते हैं। आप सिर्फ बेचते हैं, तो आपके पास लखनऊ की और बाहर के कारीगरों की काफी पतंगें मिल जाएंगी? हाँ, सब मिल जाएंगी, सब मिल जाएंगी। तो हम देखिए बहुत ही जल्दी जीतू भाई के पास चलते हैं और इनकी वीडियो कवर करेंगे, और आपके पास जो भी इनके पास मटेरियल है जीतू भाई पर, रील मांझा पतंगे बाहर की, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो ये है डालीगंज के मेंबर जीतू भाई और इनकी काइट शॉप भी है। नीचे से ओल्ड तहजीब के लियाकत भाई लड़ा रहे हैं, ऊपर से लड़ा रहे हैं डालीगंज के शुभम। तो देखते हैं कौन ये पेज काटता है। काफ़ी जल्दी तेज़ी से हाथों से जगह ले ली है लियाकत भाई ने और पतंग भी बढ़ दिए हुए हैं अपनी। शुभम ऊपर से गद्दा रखते हुए निकलता हुआ गद्दा मार रहे हैं, तो फिर निकलता हुआ गद्दा भर लिया बाहर की तरफ, लियाकत भाई भी खींच रहे हैं, दोनों लोग खींचे बहुत बढ़िया, बाहर की तरफ खींचते हुए लियाकत भाई ने शुभम को ये पेज काट दिया। तो शुभी भाई ऊपर से लगातार लड़ा रहे हैं और दो पेज काट चुके हैं, अपना तीसरा पेज लड़ा रहे हैं, सबको आगे बुला रहे हैं ओल्ड तहजीब के मेंबर को, अब की बात तीसरा पेज है, तो देखते हैं कैसा लड़ाते हैं। नीचे से ओल्ड तहजीब के अजीज़ भाई गए हैं, तो देखिए सीधा मुड्ढा बनाया शुभी ने, ताकत से बाहर का खींचते जा रहे हैं, कंठी पट की ओर खींचा है अजीज़ भाई ने, लेकिन शुभी भाई ने ताकत से बाहर खींच के बढ़िया पेज जो कंठी का बनाया था उसको काट दिया। तो इसी पेज के साथ शुभी भाई के तीन पेज हो गए हैं जो कि ऊपर से काट रहे हैं, तो ऊपर से शुभी अपना चौथा पेज लड़ा रहे हैं, बढ़िया तीन पेज काट चुके हैं। नीचे से ओल्ड तहजीब के करता धरता जी कमल भाई पहुँचे हैं, तो देखते हैं कौन काटता है अब की बार, भारी पतंग उड़ा रहे हैं और अंदर की तरफ ऊपर से उतरते हुए शुभी भाई, देखिए धीरे धीरे उतर रहे हैं, बाहर की तरफ निकालते जा रहे हैं कमल भाई अपनी पतंग को। शुभी भाई ने अपनी पतंग को अंदर के मुड्ढे पर उतारा, ऊँचा करके मुड्ढा दिया कमल भाई ने, बाहर का मुड्ढा दिखाया, रोका, अंदर की तरफ खींचा और शुभी ताकत से बाहर की तरफ खींचे जा रहे, वापस से बाहर की तरफ खींचा कमल भाई ने, लेकिन कट गए। तो काफ़ी मुड्ढे बदले, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ, लेकिन सलग एक मुड्ढा करके शुभी ने बाहर की तरफ खींच के ये पेज काट दिया। इसी पेज के साथ शुभी के चार पेज पूरे हो गए, तो शुभी अपना पाँचवा पेज ना काट पाए, इसके लिए देखिए आसिफ भाई जल्दी जल्दी नीचे से जा रहे हैं जगह लेने के लिए। शुभी अपना पांचवा पेज लड़ाएंगे ऊपर से, देखते हैं आसिफ भाई रोक पाते हैं शुभी को पांचवा पेज काटने से कि नहीं। आसिफ भाई नीचे से आए हैं पांचवा पेज लड़ाने शुभी को रोकने के लिए, और देखते हैं शुभी भाई ऊपर से आसिफ भाई को काट के अपने पांच पेज पूरे कर पाते हैं कि नहीं डालीगंज क्लब के लिए। बढ़िया पेज चार ताकत से खींच के काट चुके हैं, पाँचवा पेज चल रहा है, आसिफ भाई भी बढ़िया पतंग लड़ाते हैं, भारी पतंग। देखना ये है कि अब की बार ये पेज कैसे होता है, काफ़ी नीचे करा लिया है आसिफ भाई ने, देखिए पट करते जा रहे हैं, नीचे आपको तार की पतंगे दिख रही हैं, वापस से शुभी ने अपनी पतंग को ऊपर उठाया, नीचे तार की पतंगे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं, निकलता हुआ बुड्ढा शुभी ने बनाया, पट की तरफ खींच रहे हैं आसिफ भाई, काट कर नहीं हुई और छोड़ दिया है, वापस से दोनों लोगों ने पतंग को उठाया, नीचे से दौड़ाया, पट्टा खींचने की कोशिश कर रहे हैं आसिफ भाई, देखिए खींचते जा रहे हैं, शुभी भी अपनी पतंग को खींच रहे हैं, रोक नहीं रहे, आसिफ भाई भी खींच रहे हैं और ये छोड़ दिया, क्योंकि पतंग खींचते खींचते काफ़ी कम हो गई है दोनों लोगों की। आसिफ भाई इसी पतंग को यहीं से जगह लिए हुए हैं, शुभी अभी अपनी पतंग को चला रहे हैं, पतंगें हटाई नहीं गई है इस जगह से, एक पतंग बीच में जो मेंबर लड़ा रहे हैं साइड में उनकी पतंग भी आ रही है, तो जगह लेने में दिक्कत हो रही है। नीचे वाली पतंग है आसिफ भाई की और ऊपर से लड़ा रहे हैं शुभी भाई, शुभी अपनी पतंग को थोड़ा सा बढ़ कर रहे हैं,
टेढ़ा कराए हैं आसिफ भाई। देखने वाला पेज है, पांचवा पेज, चूबी ताकत से फिर से मुड्ढा बना रहे हैं, मुड्ढा बना लिया निकलता हुआ। आसिफ भाई ने फिर से पट की तरफ खींचा, पेज हट गए हैं। और देखिए शूबी ने फिर से मुड्ढा बनाया, बहुत ताकत से मारते जा रहे हैं। और आसिफ भाई ने जैसी चक्कर पे पतंग ली कुछ करने के लिए, जब तक चक्कर कट गए आसिफ भाई के, बहुत बढ़िया पेज शूबी ने ताकत से फिर से पांचवा काट के पूरा कर लिया। तो शूबी से छठा पे लड़ाने के लिए जा रहे हैं लियाकत भाई। देखिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए शूबी ऊपर से काट रहे हैं, नीचे से सबको बुला रहे हैं। और आसिफ भाई अपना पांचवा पेज कट गए थे, और ये देखिए फ्रेम में अभी आपको दिख जाएंगे, वापस लौट के आ रहे हैं। ये आ रहे हैं हमारे कमल भाई और आसिफ भाई। तो शूबी अपना छठा पे लड़ा रहे हैं, नीचे से ओल्ड तहजीब के मेंबर लियाकत भाई आए हैं। तो देखते हैं अब की बार छठा पेज काटने से रोक पाते हैं लियाकत के मेंबर की नहीं। शूबी ताकत से पे लड़ा रहे हैं, छठा पेज चल रहा है शूबी का, ऊपर से लड़ा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। देखिए जल्दी से ऊंचा करा लियाकत भाई ने, शूबी ने मुड्ढा बना लिया, उसी को ताकत से खींचने लग गए, और बहुत बढ़िया खींच नहीं पाए अपनी ताकत से, बहुत बढ़िया जल्दी से ऊंचा करके लियाकत भाई ने ये पेज शूबी को छठा काटने से रोक लिया। पेज काफ़ी रेंज में 400 की, नीचे से आमी लड़ा रहे हैं, आमी डी डालीगंज के मेंबर, ऊपर से शम्मू भाई। शाम हो रही है, करीब 5:15 हो रहा है, आज के दिन का पहला पेज जो ऊपर से लड़ा रहे हैं, नीचे से तो इन्होंने कई पेज लड़ा लिया आज। तो देखते ये हैं कि ऊपर का पेज कैसे लड़ाते हैं, कैसे काटेंगे आमिर को। आमिर नीचे से दो पेज काट के लड़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे शम्मू अपनी पतंग ऊपर से रख रहे हैं, काफ़ी बढ़ दे लिए शम्मू ने अपनी पतंग को भी। नीचे से भी मैंने आपको पेज दिखाया, काफ़ी बढ़ दे के लड़ाते हैं, ऊपर से भी काफ़ी बढ़ दिए हैं अपनी पतंग को। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए शम्मू, नीचे से आमिर डालीगंज के मेंबर पतंग को चला रहे हैं अपनी, शम्मू ऊपर से ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं आमिर काफ़ी, शम्मू अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर चला रहे हैं। आमिर ने पतंग थोड़ी सी खींचने की कोशिश करी, देखिए तेज़ हाथों से जगह ले ली है, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया शम्मू ने, उसी मुड्ढे को चलते जा रहे हैं, फिर से उसी मुड्ढे को रोका, एक चक्कर लिया, फिर से बाहर की तरफ खींचते जा रहे हैं शम्मू। खड़ा मुड्ढा खींच लिया आमिर ने, और बाहर की तरफ शम्मू खींच रहे, ताकत से खींचा शम्मू ने, खड़ा खींच के आमिर ने बहुत बढ़िया पेज निकलते हुए मुड्ढे को, जो ताकत थी शम्मू की बाहर के मुड्ढे की वो काट दी। उसी पेज के साथ आमिर के तीन पेज पूरे हो गए। उमर भाई लड़ा रहे हैं ऊपर से, नीचे से आमिर अपना चौथा पे लड़ा रहे हैं, अंदर की तरफ उमर ने ताकत से खींचा, बाहर की तरफ आमिर खींचते जा रहे हैं, लेकिन बढ़िया पेज अंदर की तरफ बढ़ दे के उमर ने खींच के आमिर को ये काट दिया। बहुत बढ़िया पेज उमर भाई ने काटा है आमिर को। तो आज के दिन का डालीगंज क्लब और ओल्ड तहजीब के बीच में आखिरी पेज लड़ रहा है, ऊपर से लड़ा रहे हैं उमर भाई, बहुत बढ़िया पेज अभी इन्होंने काटे और काट के अपने मेंबरों को चांस भी दी है। और नीचे से लड़ा रहे हैं आर्यन भाई डालीगंज के मेंबर, देखते हैं कौन ये पेज काटा है। देखिए सीधा मुड्ढा उतारा और वापस से उसी मुड्ढे को ताकत से सीधा मार दिया, बहुत बढ़िया पेज उमर भाई ने, ओल्ड तहजीब के मेंबर ने आर्यन डालीगंज के मेंबर को काट के पूरा कर लिया। तो अजीज भाई ने काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया और उसी पे शूबी ने निकलता हुआ गड़ौता और ताकत से मारा, और देखिए वापस से पलट के झटकने लगे, बहुत बढ़िया पेज बनाया है, झटक रहे दोनों लोग झटक रहे हैं। और ये देखिए जैसे ही हाथ चलाया अजीज़ भाई ने, बढ़िया पेज काट दिया शूबी ने, बहुत बढ़िया पेज काटा, पहले गद्दा मारा ताकत से और फिर उसके बाद तुरंत उसको पलट के झटकते झटकते अपनी पतंग को उठाते रहे, बहुत बढ़िया पेज। तो डालीगंज और ओल्ड तहजीब के बीच में आज का गेम एंड हो गया है, जिसमें ओल्ड तहजीब ने एक नौ काटा है, जिसमें शम्मू भाई ने काटा है, ये खड़े हैं ओल्ड तहजीब के मेंबर। और डालीगंज के मेंबर की ओर से शूबी भाई ने ऊपर से पांच गद्दे मारे, बढ़िया पेज काटा था, छठा पेज लियाकत भाई से कट गए। तो आसिफ भाई कुछ कहना चाहते हैं, गेम एंड हो गया, सब पैकिंग चल रही है, पतंगबाजी में आज बहुत मजा आया। देखिए कमल भाई हमारे कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कमल भाई, आज बगैर आवाज के पतंग लड़ी जी, इसलिए डालीगंज को जी शुक्रिया बिल्कुल आवाज नहीं करी। डालीगंज ने भी हमसे यही कहा कि फिर से एक दिन गेम तय करेंगे, क्योंकि पतंगे पेज पे उनको मिलती रही, लड़ाने में मजा आया, कह रहे थे जी जी। अभी उन्होंने कहा हमसे, शूबी भाई कहते कि बहुत बढ़िया पतंग लड़ी, क्योंकि पेज लगातार आप लोग की ओर से भी मिलते रहे। तो देखिए लोकल टीम है लखनऊ की, जो कि टॉप टीमों में आती है, ओल्ड तहजीब और डालीगंज, बढ़िया शौक हुआ दोनों के बीच। सामान पैक करते हुए डालीगंज के मेंबर आमिर भाई अपनी आखिरी पतंग एक तनी थी उतार रहे हैं, और ये हैं वाइस कैप्टन शूबी भाई। तो शूबी भाई अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए, जिससे आपसे कोई शौक करना चाहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर ले, कोई परदेसी गेम तय करना चाहे या लोकल गेम तय करना चाहे तो किस नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट करें। ये वाइस कैप्टन है डालीगंज के, और इनके बड़े भाई हैं प्रियांशु भाई, वो हैं कैप्टन। तो अपना नंबर बता दीजिए, 9044191979। तो ये नंबर प्रांशु भाई का है, ये प्रांशु भाई का नंबर, आप इस पे कॉल करके गेम तय कर सकते हैं डालीगंज काइट क्लब से। और कैसा रहा आज का शौक? बढ़िया रहा, पतंग भी तेज मिली, पतंग लड़ी, फिर से लड़ेगी एक बार डालीगंज और ओल्ड तहजीब के बीच में।
जो कि दो आमिर आपके सामने खड़े हैं, ये आमिर महानगर में रहते हैं इसलिए एम से डोनेट करते हैं। हाय कर दीजिए, लोग देख ले तो ये हाय कर रहे हैं, दोनों लोग देखिए हाय कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कौन आमिर एम है कौन आमिर डी है। ये डालीगंज में सब जानते हैं, ये महानगर। तो आमिर भाई डालीगंज के, तो आमिर भाई डालीगंज के वाइस कैप्टन भी है। आमिर भाई अपना नंबर बता दीजिए जिससे कोई आपसे डालीगंज क्लब से गेम तय कर सके, परदेसी या लोकल गेम। 9721794444। तो ये नंबर है आमिर भाई का और आप इस पे कॉल करके आमिर भाई से कांटेक्ट करके गेम तय कर सकते हैं डालीगंज काइट क्लब से, जो कि टॉप की टीम है लखनऊ की। और आमिर भाई कैसा शौक हुआ आज आपका ओल्ड तहजीब से? बहुत बेहतरीन हुआ, बस हम लोग नौ कट गए, लेकिन शौक बड़ा अच्छा हुआ। ये हमारे आमिर भाई डालीगंज काइट क्लब के वाइस कैप्टन। तो बढ़िया शौक हुआ आज दोनों टीमों के बीच में, और दोनों ही टीमें एग्री हैं कि बहुत बढ़िया शौक हुआ दोनों ही टीम का।